के अकाउंट सीज कर दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही पूर्ण रवैया है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को मर्यादाओं को हमेशा आता करता है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि सबसे बड़ा करप्शन अगर कोई हुआ तो चुनाव के चंदे के माध्यम की नीति से, और जो 70 साल कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा आरोप लगाने वाले लोग थे उन लोगों के खातों में हजारों करोड़ रुपए 5-7 साल में चले गए और 70 साल में कांग्रेस पार्टी के पास सैकड़ों करोड़ भी नहीं। ये एहसास क्या कराता है कि करप्ट सत्ताधारी लोग नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी। अब अलोकतांत्रिक इतना कि सैलरी जो दी गई कर्मचारियों को उसके खातों को सील कर दिया बिना बताए, ये व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का, उसकी एजेंसियों का। मैं मानता हूँ कि देश देखे समझे और इस क्रूरता और अन्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार दोषी है। कांग्रेस ने अपनी पूरी बात नेशनल स्तर पर कही है और आने वाले समय में जनता देख के उनको सबक सीखे। लोकसभा की तैयारी नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हमने बारहवीं लोकसभा के लिए स्थायी रूप से चालू किया है, जिसमें राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक विचार आदान प्रदान, कन्वर्सेशन, इस माध्यम से आपकी नीतियों को जन जन तक सोशल मीडिया के माध्यम से, आईटी के माध्यम से कैसे पहुँचाई जाए, जूम मीटिंग के कंसेप्ट को और ताकत कैसे दी जाए, इस नई विधा को ईजाद किया गया है जो लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत तो है ही है। उसकी डेस्क बनाई गई लोकसभा वाइज और उसके रिक्रूटमेंट किए गए, उसके साथ साथ स्थायी रूप से इन हाउस इस तरह का प्रोसेस कांग्रेस पार्टी ने चालू किया मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, जो 5 साल 24 घंटे जैसे दूसरे विभाग डिपार्टमेंट काम करते हैं वैसे ही वारूम। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। जीतू बोले, केंद्र की मोदी सरकार हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म करने में जुटी है। कांग्रेस के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर अकाउंट पर तालाबंदी कर दी गई है। हमारे खातों में कार्यकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन डोनेशन से जुटाया गया पैसा है, इसे इनकम टैक्स और मोदी सरकार कैसे फ्रीज कर सकती है। इस कदम से स्पष्ट है कि अब लोकतंत्र को समाप्त कर देश में वन पार्टी सिस्टम लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। माकन ने कहा, हमें गुरुवार को जानकारी मिली कि बैंकों ने पार्टी के द्वारा जारी किए गए चेक रोक दिए हैं, वे हमारे चेक क्लियर नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी के खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्राउड फंडिंग वाले अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा, अभी हमारे पास बिजली का बिल भरने के लिए और अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। अकाउंट फ्रीज होने के कारण न केवल भारत जोड़ो न्याय यात्रा बल्कि पार्टी की सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। यह लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा है।